तक के अंदर है सांगी कुरवाड़ी के नाम से, दोनों का इकट्ठा नाम आता तभी पहचान पाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं प्लस टू की थी मैंने, उसका रिजल्ट आने से पहले मैं फौज में भर्ती हो गया था। तकरीबन 17.5 साल का था मैं, 15.5 साल मैंने फौज की नौकरी की। तो उस टाइम पे एक सॉन्ग होता था, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, तो वो मैं सुन रहा था ड्यूटी पे खड़ा था मैं, नौशेरा बॉर्डर की बात है ये LC पे। तो मैंने पहली बार एक सॉन्ग को कॉपी करके उसके देशभक्ति गीत बनाया, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे वतन जिंदा मुद्दा एक गोली एक दुश्मन। 2017 आया तो छन छन बोला तेरी तागड़ी ने एक मतलब इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया जो 650 मिलियन थे। तो मैंने पहली रागनी लिखी थी, मतलब मोर्चे के माँ खड़े जाट का याद जाटनी आ गई, ये चलने गोली गोले रगड़े जान डाटनी आ गई, हरियाणा के यहाँ कुंडी सोटा गाड़ी में पाछे गेला रखा और बदाम रगड़ा हाथी। नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हूँ जिस शख्सियत के पीछे ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा लगा हुआ है, और उनकी डेट मिलना उनका समय मिलना ये एक सौभाग्य की बात है। चलो मैं आज इस सस्पेंस को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उनका नाम है अजय हुड्डा, एक्टर सिंगर राइटर, आपने बहुत सारे सुने होंगे हायरी मेरी मोटो एंड बला 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 बला, जो एक हमारे गांव है सांगी खिडवाली दैट इज कॉल्ड भाई 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 दोनों गांव, उस मिट्टी से निकल के आज इसने जैसे शाहरुख खान का मुंबई की इंडस्ट्री में नाम है, आज ये हमारे हरियाणा के शाहरुख खान है। फाइनली आज हमने इनको पकड़ लिया है। आज इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में, और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, ये हॉलीवुड जाएंगे बॉलीवुड रहेंगे या कहाँ पे जाएंगे या भोजपुरी सिनेमा में जाएंगे, तो आज हम सारे अनछुए पहलुओं को इनको छुएंगे। अजय हुड्डा साहब आपका HNT न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार सभी को, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा चैनल है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग इनके साथ मिलेंगे और रूबरू करवाएंगे ये। तो धन्यवाद आप सबका, इतना प्यार और सम्मान आप देते हैं, और भाई साहब से तो मिलके वैसे ही धन्य हो जाता हूँ मैं। थैंक यू, आपने साथ में हमारी भी तारीफ कर दी, हम तो तारीफ आपकी कर रहे थे। अजय जी, पहले आप अपने थोड़ा सा जीवन के बारे में बताएं, जैसे खिडवाली से लेके आपकी जो स्कूलिंग हुई है, परिवार के बारे में बताएं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जैसे सपना चौधरी का एक सस्पेंस बना हुआ आज तक, भाई कहाँ पैदा हुई कहाँ पढ़े, वो यू नो लॉट ऑफ क्यूरीज आप सारा गूगल पे भरा हुआ है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बड़े क्यूरियस हैं। मैंने गाँव का नाम बताया, तो आप बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, इस लाइन में कैसे आना हुआ। देखिए मेरा गांव खिडवाली है जैसा भाई साहब ने बताया, ये रोहतक के अंदर है सांगी खिडवाड़ी के नाम से, दोनों का इकट्ठा नाम आता तभी पहचान पाते हैं बहुत जल्दी तो लोग। तो सांगी खिडवाड़ी रोहतक के बिल्कुल नज़दीक है, मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे गांव में ही हुई है सरकारी स्कूल में, और मैंने वहीं से जब मैं प्लस टू की थी मैंने, उसका रिजल्ट आने से पहले मैं फौज में भर्ती हो गया था। तकरीबन 17.5 साल का था मैं, तो 2002 में मैं फौज में भर्ती हो गया था। उसके बाद 15.5 साल मैंने फौज की नौकरी की, और 2017 में नवंबर में मैं रिटायरमेंट आया, और उसके पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इस लाइन में 2009-10 में हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर काम करना, और तब से कर रहा हूँ। और पेंशन आने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ अब लगातार, क्योंकि इसके सिवा और कोई काम नहीं, उसको कोई नौकरी नहीं, फुल टाइम हो गया, फुल टाइम हूँ, बेरोजगार आदमी को यही काम है, बस मुझे यही आता है। आप लोगों का प्यार है, मिल रहा है। सर परिवार के बारे में बताइए, और भाई बच्चे कितने हैं, कितनी बड़ी फैमिली है, और कहाँ रहते हैं, फाइनली कहाँ सेटल हुए आप? देखिए वाइफ तो एक ही बहुत होती है, ऐसे ही मेरी भी एक ही है, ठीक है, एक बेटा है मेरा और वो 10th। हमने सुना है बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। हाँ फुटबॉलर अच्छा है, और इसीलिए मेरा सपना है कि मैं उसे बाहर इंग्लैंड भेज रहा हूँ। अरे आपका सपना जरूर पूरा होगा, आप ही कर सकते हैं। और आप फाइनली कहाँ सेटल हुए, अगर लोग मिलना चाहें जो आपके आपके फैन हैं, वो कभी आपको देखना चाहें, जैसे अमिताभ बच्चन की कोठी के बाहर लाखों की भीड़ होती है, नेचुरली आप भी अब उसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको देखना चाहे मिलना चाहे तो कौन सा शहर में अवेलेबिलिटी होती है आप? देखिए मेरा अपना शहर मतलब रोहतक मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट शहर है। मैं कहीं भी जाऊँ मुझे रोहतक से प्यारा कुछ नहीं लगता है। वैसे हर शहर की एक अपनी एक अलग छवि होती है, लेकिन रोहतक मैं मतलब हर गली से वाकिफ हूँ, हर दुकान से वाकिफ हूँ, तो मुझे प्यारा लगता है। मतलब हरियाणा की राजधानी जो कैपिटल है वहाँ पे सेटल हो गया? हाँ मैं रोहतक हूँ।
अच्छा अजय जी, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बड़ा सवाल आता है कि जो मैं आपके गांव खिडवाले की बात करता हूँ, वो पॉलिटिकल लोगों के लिए वो बहुत बहुत फेमस है। हर आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ है या राजनीति में आगे जा रहा है, या फिर सेकंड नंबर पर पहलवानी के अंदर आते हैं। तो इस लाइन में मतलब हमने कभी आपके गांव से कोई आज तक जब से गांव हुआ है ऐसा कोई चेहरा नहीं सुना, कोई सिंगिंग में आया हो, एक्टिंग में आया हो, आप सुभान अल्लाह इतनी फिल्में कर रहे हैं, और ये कैसे आना हुआ, मतलब इसके पीछे क्या मैजिक है एंड कौन गुरु था जो इस लाइन में लेके आया? देखिए मैं बताऊं, मैं जब फौज में भर्ती हुआ तो मुझे लिखने का शौक था, अकेला रहता था बॉर्डर पे, तो मतलब अकेला जब होता है इंसान तो गुनगुना लेता है। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार मतलब हमारा एक रेजिंग डे होता है फौज के अंदर, जैसे बर्थडे होता है ऐसे यूनिट का बर्थडे मनाया जाता है, रेजिंग डे बोलते हैं फौज के अंदर। तो उसके अंदर मतलब मैं नया सिपाही था, तो मुझे बोला गया कि आपको भी कल रेडी होना, कुछ ना कुछ बोलना है। तो देशभक्ति उस टाइम पे मतलब जब नए नए जाते हैं तो मतलब इतनी कूट कूट के ट्रेनिंग आउट हो गए थे, मतलब इतनी कूट कूट के भरी हुई थी कि मतलब उसके सिवा कुछ दिखता नहीं था, ना कोई प्यार, ना कोई सैडनेस, ना कुछ। तो उस टाइम पे एक सॉन्ग होता था, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, तो वो मैं सुन रहा था, ड्यूटी पे खड़ा था मैं, नौशेरा बॉर्डर की बात है ये, LC पे। तो मैंने पहली बार एक सॉन्ग को कॉपी करके उसके देशभक्ति गीत बनाया, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे वतन जिंदा है, मुद्दा एक गोली एक दुश्मन, ऐसा करके मैंने एक मतलब पहली बार लिखना शुरू किया। तो वो जब मैंने बनाया और वो मैंने जब परफॉर्म किया वहाँ सभी के 40 अपनी बटालियन में, हाँ कम ही लोग इकट्ठा हो पाते हैं क्योंकि बॉर्डर का वो था, तो उन्होंने बहुत पसंद किया, सबने कहा कितना प्यारा, मतलब लास्ट में मेरा जब नाम भी आया तो सबने बहुत ज्यादा पसंद, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो उसके बाद वो हमारी जाटवीर बुक होती है, जो जाट है, यूनिट है 21 यूनिट जितनी भी, जो आपकी मैगजीन निकलती है, वो मैगजीन निकलती है साल के अंदर एक, उसका नाम जाटवीर है। तो उसके अंदर जब वो छपके आई वो रागनी, हाँ वो गीत, तो मतलब हमारे शिव साहब थे वो पोस्टिंग जा रहे थे, तो तब मेरे को बताया गया कि भाई कुछ ना कुछ पक्का लिखिए। तो मैं लिखन खातर मतलब मेरे को दिया, अब मैं क्या लिखूं, तो मैंने पहली रागनी लिखी थी, मतलब मोर्चे के मां खड़े जाट का याद जाटनी आगी, जे चलने गोली गोले रबड़े जान डाटनी आगी। ओ माशाल्लाह, तो मतलब इस रागनी ने क्या आउटलाइन है, कर दिया क्या आउटलाइन है, ये तो आंखों में पानी ला देती है। इसने बहुत फेमस किया मुझे नए यूनिट के अंदर, तो मतलब फिर साथ वाले बोलने लगे अब क्या लिखा है। तो वो चीजें थी, मतलब अपनी तो क्यूरियोसिटी होगी, अब अजय जी कब क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, वेट करने लगे, धीरे धीरे लिखने लगा। और फिर मतलब मैं घर पे आता, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, पापा को, सबको सुनाता, वाइफ को, तो मतलब मैं छुट्टी काट के चला। मेरे भाई ने एक दिन एक डायरी मंजीत पांचाल जी जो मेरे गुरुजी हैं उनको दी कि भाई देखियो एक बार, मतलब कि इसमें ये लिखा है क्या दिन है, कुछ दम है कि नहीं, कुछ दम है कि नहीं, वैसे एक रिजा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखता है, तो इसके तो एल्बम करनी चाहिए। तो ये अप्रूव, मतलब आपके बड़े भाई को श्रेय जाता है, छोटे भाई को श्रेय जाता है कि वो पांचाल साहब के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, अप्रूव कराते हैं, और आपकी पहली एल्बम आती है। उन्होंने खुद मेरे, मतलब ये करियर का ट्रेंड है, गुरु जी ने सिलेक्ट किए थे पूरी डायरी के अंदर से कि ये 8 गाने की एक एल्बम तेरे तैयार करते हैं, ये अच्छे हैं तेरे 8 गाने। तब से मतलब फिर मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता था, हमारा ये बहुत मतलब एक अलग सा कारण बना कि जब मेरी, हाँ वैसे सही बात है, एक एक्टिंग का आपका अलग रूप देखने को मिल रहा है, आप अभी लंदन शूट करके आए हैं, बताएं एक्टिंग का चार्म कैसे आया? कि हमारा जो मॉडल था, मेल मॉडल था, तो वो आया नहीं था टाइम पे, हमारे सारी यूनिट इकट्ठी हो चुकी थी, 10-11 बज चुके थे, तो वो आया नहीं। तो मेरे गुरुजी बोले, भले भाई तू भी सुतरा हलाम बठा डछू रहा है, मैं बोला ना, हमारे घर के तो बुरी तरह हमारे कूटेंगे मने, तो बोला ना ना ना, बोले ऐसा एक दिन में कोई सलमान खान नहीं बनता, तू आजा, मतलब तेरा रुका पड़ जा, कॉन्फिडेंस दे दिया आपको, तू आजा। तो मैं वहां खड़ा हुआ, भगवान की दास है, उन लोगों ने वो चेहरा पसंद आने लगा, और एक के बाद एक एल्बम लोगों ने पसंद किया, दिल से पसंद किया। वो आप लोगों का है, मतलब जो भी है, मैं यहाँ हूँ, मेरे गुरुजी, मेरे भाई और आप लोगों का। अभी भी आप जमीन से इतने जुड़े हुए, इतना बड़ा स्टार होने के बाद बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी वो है। अजय जी, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ
कि आपको पहले तो आप हरियाणा में थे, आप पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा में आपने किसान आंदोलन के अंदर इतना बढ़ चढ़ के आगे आगे आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, आगे इसे लीड किया, आपके ऊपर मुकदमे भी हुए, तो ऑल ऑफ सडन क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को छोड़ के दाव पे लगा के और किसान आंदोलन में जंप करना, ये आपका क्या डिसीजन था? क्योंकि इसमें करियर कहीं भी आपका कुछ न कुछ हो सकता था। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमें फौज में भी ये सिखाया और हमारी किताबें भी ये बोलते हैं, हमारे संस्कार भी ये बोलते हैं, अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई आपदा आती है तो उसके बाद सारी चीज़ें हैं, परिवार सबसे पहले है। तो किसान परिवार से हूँ मैं, तो किसान परिवारों के ऊपर आपदा आई थी तो मेरी आपदा थी। इसमें करियर को सोचने के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं करियर के बारे में सोचूंगा। तो मैं दिन रात जितने दिन भी किसान आंदोलन रहा लास्ट तक, क्योंकि आपको लीडिंग मूवमेंट थे वहां से, सोनिया मान थी पंजाब से, हरियाणा से अजय हुड्डा थे, तो उसके बारे में मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आपने एकदम से अपनी लाइन शिफ्ट कर दी। मैं इसके बारे में ज्यादा ना वाहवाही चाहता हूँ ना कुछ, मैं इतना कहना चाहता हूँ वो सिर्फ मेरा फर्ज था और मैंने एक किसान का बेटा होने के नाते वो फर्ज निभाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अजय जी, इसी आपकी बहुत ही आपके जो प्यारे शब्द हैं इसी के लिए सब आपके फैन हैं, आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपने इतना बड़े आंदोलन को इस तरीके से लीड करके और अपना 100% दिया। अजय जी, मैं अब आगे आपसे कुछ दो चार और आपके सवाल पूछते हुए, आपके पास समय की प्रॉब्लम है। अजय जी, सबसे पहले आपने कौन सा गाना रिकॉर्ड कराया और फिर हिट की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सबसे पहले मेरी लव गुरु एल्बम आई थी, मैंने बताया सैड सॉन्ग की एल्बम थी वो। मेरा सबसे पहले जो सॉन्ग हिट हुआ था वो था मारीगाड़ में एक पटोला, मारीगाड़ में, करेक्ट। बहुत बड़ा, मतलब जिससे मुझे पहली बार बेस्ट राइटर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, सारे अवार्ड मिले थे उस सॉन्ग को, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर था वो। उसके बाद जो सबसे बड़ी मतलब पैन इंडिया मैं कहूंगा अचीवमेंट थी मेरी, वो उससे अगले साल 2015 में सॉलिड बॉडी। इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया जो 650 मिलियन है। जैसे 2018 आया तो बहु काले किया गया, तो मतलब ऐसा ट्रेडमार्क हो गया कि मतलब वो तो हर घर में शब्द बोले जाने लगे बहु काले का, तो है लड़की हो लड़का हो वो तो सबके मुंह में चढ़ा हुआ है। तो मैंने मतलब जब से हिट हुआ तब से आज तक मतलब कोई ऐसा साल नहीं है कि डीजे बजे उड़ा नहीं था। तो ये मैं नहीं, ये मेरी जो पीछे की पूरी टीम है, यानी मेरा म्यूजिशियन, जो आपकी पूजा है, आपकी टीम है, मेरे मॉडल्स, या फिर मैं कहूंगा कि जो मेरे ग्रुप है वो भी, और मेरी कंपनी, मतलब सारी पूरी जो टीम है वो इतनी कोऑपरेटिव और इतनी मेहनती है, शायद उनमें सबसे ज्यादा कम मेहनती मैं हो सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनती है। अजय जी, मेरा एक आप है ना, एक जो मतलब मैं पर्सनली आपके जिस गाने को मैं पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त पसंद करते हैं, मेरे ऑफिस में भी चलता है, उसको आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, उसका हायरी मेरी मोटो, उसको मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है वो आपकी टॉप लिस्ट बनी है, लेकिन लोगों की टॉप लिस्ट में उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं कहूंगा बड़े भाई, पहली बात तो आप पेशे से वकील हैं और इस मोटो सॉन्ग का केस आप अभी तक लड़ रहे हैं। वो तो आपस में देखिए, लिरिक्स पे तो कोई चला जाता है, लोग फिल्मों के ऊपर चले जाते हैं, मेरी कहानी चुरा दी उससे नहीं, मतलब गाना इतना सुपर डुपर हिट हो रहा है उसको के बारे में इतना कहूंगा। मोटो देखिए, आजकल मतलब प्यार से कहने लगे हैं, जब से वो सॉन्ग आया है तब से लोग मोटो शब्द का बुरा मानना बंद कर दिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि दिल को छूता है। अब बुरा नहीं मानते हैं कोई भी, मतलब लेडी को अगर मोटो कहें तो उन्हें लगता है कि मुझे प्यार से कहा है, लेकिन ध्यान रखिए वो प्यार से नहीं कहा, वो टॉन्ट है, और आप कम कीजिए अपना। अजय जी, बड़ी आपसे इंटरेस्टिंग बातें थोड़ी सी और चलाएंगे। अजय जी, मैं मेरा आप आगे से आपका आपका ये सवाल था कि हमने आपकी राइटिंग की स्किल देख ली, आपके क्या कहते हैं एक्टिंग की वो देख ली, सिंगिंग में भी हम देख रहे हैं, लेकिन सिंगिंग क्यों कम कर रहे हैं आप? देखिए, सिंगिंग मैं अभी भजन वगैरह तो शुरू कर रहा हूँ, किए भी हैं, मैंने लाइव परफॉर्मेंस भी की है, लेकिन लंदन में आपने बहुत बड़ी लाइव परफॉर्मेंस करी, तो लंदन में पूरा हॉल ऐसा, हमने आपको फॉलो किया, हमारे दोस्तों ने बताया आपने लंदन को एक तरफा हिला के रखा है। अभी स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, मतलब हम प्रॉपर तरीके से आने वाले समय में ये हमारे दर्शकों के लिए और हमारे हरियाणा वासियों के लिए, अजय हुड्डा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपके प्रिय स्टार अजय हुड्डा जी सिंगिंग में जल्दी ही आपको दिखाई देंगे। बहुत जल्द।
अच्छा अजय हुड्डा जी, एक आपको आप डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट चाहे वो आपकी राइटिंग है चाहे वो आपकी एक्टिंग है, उसके साथ साथ आपको एक बड़ा डिफरेंट है क्योंकि आपकी फिटनेस कमाल की है, नंबर वन टच वुड वो आपने बहुत मेंटेन की है, और एक आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है जो सबको पसंद आता है, आप वो फिजुअली ड्रेस नहीं पहनते हैं जिससे देखते ही लगे यार ये तो पता नहीं क्या आ गया, तो इसके बारे में आप बताओ कैसे आप, आपकी ड्रेस सिलेक्शन, आपकी स्टाइलिंग कौन करता है, क्योंकि स्टाइलिंग और आप हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सूट में सॉन्ग के वगैरह के सूट होते हैं, इवेंट होते हैं, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस एक अलग होता है। वैसे पर्सनली मैं मतलब एक खिलाड़ी रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स वियर पहनना पसंद है, और मारा तो घर के न्यूका अगर मेरी मां न्यूका भाई के लत्ते पैर ले कुत्ते पाट लेंगे तो मैं मतलब चाहता हूँ कि सिंपल रहूँ मैं, और मुझे फुकता भी आप जमीन से जुड़े हुए बिल्कुल सिंपल हैं, तो मतलब जो आपकी स्टाइल है आपके लिए जो कपड़े आपकी जो सॉन्ग के लिए करता कौन सेलेक्ट करता है? मैं ही करता हूँ। अच्छा आप खुद ही अपनी स्टाइलिंग करते हैं, तो ये जो फिटनेस का राज क्या है, मतलब आपके पास समय कैसे होगा कि आप इतने बिजी हैं, जिम आप नहीं जा सकते, सैर आप नहीं कर सकते, कैसे मेंटेन करते हैं? फिटनेस का मैं बताऊं कि अभी मतलब 6 अक्टूबर को मैं 40 साल का हो जाऊंगा, तो लगते आप 22 के हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा फर्क है आप में और मुझ में, थोड़ा सा, ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोग जो खाते हैं खाता वो भी मैं भी। ओके ठीक है, तो आप हमारे दर्शकों को गुरु मंत्र दीजिए कि आप मुंह से खाते हैं, मैं आंखों से खाता हूँ, मैं देख के ही पूछ लेता हूँ हाथ खा लिया। ओहो दर्शकों, आज अजय हुड्डा जी ने कितनी क्या एक सस्पेंस अनछुआ पहलू, जो हम अक्सर बताते हैं कि कुछ लोग मुंह से खाते हैं कुछ लोग आंखों से दिल भर लेते हैं, यही एक इनकी राइटिंग का कमाल है। तो सर फिर भी आप बता दीजिए आज दर्शकों को कि आप खाने में किस तरह के चीजें पसंद करते हैं, शूट पे हो एक्टिंग पे हो, आप किस तरह का पसंद करते हैं? देखिए सामने मेरी टीम बैठी हुई है, इनको पता है मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ, अगर मैं बाहर गया हुआ हूँ तो आप लंदन थे, बाहर पूरे राजस्थान शूट करते हैं, तो कैसे काम चलाते हैं? मैं एक टाइम दोपहर के टाइम पे मतलब थोड़े से चावल और दाल ले लेता हूँ, शाम और सुबह मतलब मेरा अलग मील है, मैं नहीं खाता हूँ कभी भी अनाज। पर इतनी एनर्जी कैसे आती है सर, अगर आप इतना सा खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आप तो मतलब कमाल माशाल्लाह ऐसे काम करते हैं, पाकिस्तान तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप हरियाणा के यहाँ कुंडी सोटा गाड़ी में पाछे गेला रखा और बदाम मन रगड़ा हर पियो। अच्छा ओके ओके ओके, मतलब आप ड्राई फ्रूट्स पे भी? ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स और सैलेड सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मैं। ओके ठीक है, दाल भी लेता हूँ, दाल तो दो टाइम लेता हूँ, मतलब सूप लेना, ब्लैक कॉफी है ठीक है, ग्रीन टी है, सब टाइम टू टाइम है वो चीजें हैं, लेकिन मैं खाना जो है वो चावल हो या रोटी हो कभी भी, तो वो दोपहर में, शाम को कभी कुछ नहीं, और जैसे सूरज छिप जाता है उसके बाद मैं मतलब कभी भी फिर आप नींद कैसे ले पाते बगैर खाने के आज के टाइम? सच बताऊं तो नींद मेरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3.5 से 4 घंटे की, ज्यादा नींद नहीं। माय गुडनेस माय गुडनेस। और भाई साहब चलो एक चीज और बता देता हूं मैं, आज बिल्कुल बताइए आपके अनछुए पहलू, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया अनछुए पहलू है सर आपके। लोग ऐसे सोते हैं, उठेंगे अड़कस लेंगे, मैं मतलब मेरी टीम वालों को उठाता हूँ तो ऐसे करते हैं ना, चाहे मेरे बेटे को मैं भी ऐसे करते हैं ये करते हैं, लेकिन मेरा उठने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मेरी आंख खुली मैं उठा सीधा बेड से नीचे खड़ा हूंगा। ओह माय गॉडनेस। अच्छा अगली सेकंडों में 1 से 2 सेकंड के अंदर मैं बेड से नीचे खड़ा हूंगा और चलूंगा घूमूंगा फिरूंगा गर्म पानी करूंगा पीऊंगा। अरे वाह, मतलब मैं 1 सेकंड नहीं लगाता, ये आज से नहीं मतलब मुझे ध्यान है 15-20 साल से मुझे। ये आपको मेरे ख्याल में आर्मी के जो इनकलकेट हुए हैं, जो आर्मी के जो गुण आए हैं आपके अंदर, जो डिसिप्लिन आया मेरे ख्याल से वो रिफ्लेक्ट होकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप आर्मी को भी क्रेडिट देना चाहेंगे? बहुत ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि उनमें आलस जो होता है वो छोड़ा नहीं। अच्छा तो आप जिम जा पा रहे हैं कभी? जिम कोशिश करते हैं? जिम सच बताऊं तो महीने में, देखो लोग वीडियोस देखते हैं सोचते होंगे डेली जाता होगा, क्योंकि आपके रील आती हैं वीडियो की, 5 से 7 दिन मुश्किल से, 5 से 7 दिन। और वॉक या दौड़ जो आपकी रूटीन का लाइफ इस तरह का कोई? देखिए जब मैं कई दिन हो जाते नहीं जा पाता हूँ, जैसे मेरा शो खत्म हो रहा है रात को 2 बजे 3 बजे भी, तो मैं जैसे किसी शहर से मथुरा कर रहे हैं तो वो शहर से बाहर निकली हमारी गाड़ी, तो मैं मतलब अपना ड्रेस चेंज करूंगा और रनिंग करूंगा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, उसके बाद थक गया बैठ जाऊंगा, एक बार शो से थके एक बार से थके फिर आराम से नींद आएगी, तो मतलब ये जरूरी है। देखिए आप सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, जो इंसान अपने आप से प्यार करना
जानता है उसे लोग सब प्यार करते हैं। ये दर्शकों, आज अजय हुड्डा जी ने बेशक के 40 साल की उम्र के हैं, लेकिन इनके बाल बेशक नहीं सफेद हुए हैं, लेकिन आज इन्होंने 80 साल के लोग, बुजुर्ग लोग जो सलाह देते हैं आज वो दी है। हुड्डा साहब, बहुत कुछ आज आपके अनछुए पहलू कर रहे हैं, आपके टच कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट मोस्टली आपके जो लेवल के हैं, या तो वो डॉग लवर होते हैं, या बर्ड्स लवर होते हैं, या पहाड़ों के ऊपर ट्रैकिंग या पहाड़ों में जाके शांति ढूंढते हैं, उसको लव करते हैं, कुछ ड्राइविंग को का प्यार है उनका। तो हमारे सुपरस्टार अजय हुड्डा जी का क्या प्यार है? गौ माता। अच्छा, गौ माता का थोड़ा डिटेल में बताएं किस तरीके से। मैं गौ माता, क्योंकि आपका गाँव तो फेमस है, वहाँ पर सबसे बड़ी गौशाला है। मैं सबसे पहले बताऊंगा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा बेटा हो, हम अपना जन्मदिन गौशाला में ही मनाते हैं। दूसरी बात यह है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है, तो मैं गौ माता के पास जाता हूँ। ठीक है, वो अपने घर खुर्रा फेर रहा है, ठीक है, उसका खाज करना, बैठना, वहाँ जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी, एक अलग एनर्जी मुझे मिलती है गौशाला में, वो एनर्जी मुझे कहीं भी नहीं मिलती है, सच में कहीं भी नहीं मिलती है। आप मतलब कहीं भी जाके देख लीजिए, एक गाय के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, एक एनर्जी ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत नई अच्छी बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कितना समय लगा देते हैं आप सर, जैसे बर्थडे का दिन है या जब भी आपका दिल जब करता भी है, मेरा दिल कितना करता समय लगाते हैं? देखिए, ज्यादा दो तीन चार घंटे मतलब जब भी मैं निकलता हूँ वहाँ से। अरे वाह, बहुत ही महीने में ये तकरीबन 3-4 दिन होता है। अरे वाह, दर्शकों बहुत बढ़िया, इन्होंने क्या कहते हैं अपना आज राज खोला है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी है। आइए इनके दूसरे शौक के बारे में बात करते हैं। हुड्डा साहब, हमने बहुत सारी आपकी उसमें देखा है कि आप बाइक पे होते हो, गाड़ियां कम दिखाई देती हैं आपकी वीडियोज में, क्या आप बाइक के शौकीन हैं या गाड़ी के शौकीन हैं या हाई स्पीड के, आपके शौक किस तरह के? देखिए, मैं बाइक का तो बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आपके गानों में बाइक दिखाई देती है, वो वीडियोस के लिए होती है। मैं सबसे कहना चाहूंगा, एक तो बाइक बिल्कुल आराम से चलानी चाहिए, क्योंकि आप बाइक पे आप बैठे हैं, आपके पीछे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, और बाइक थोड़ी सी भी फिसली तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बाइक में बहुत अच्छी बात की हमारे सुपरस्टार ने, जो बच्चे होते हैं आजकल करते हैं स्टंट वगैरह, प्लीज ऐसा कुछ ना करें। हाँ, गाड़ी है सेफ है, थोड़ा उससे ज्यादा सेफ है, वो भी आराम से ही, और कोई स्टंट वटंट नहीं करने चाहिए भाई, ये दिखावा है, ये चीजें अच्छी भी नहीं होती हैं, अच्छे घरों के बच्चों को शोभा भी नहीं देती हैं। बाकी मुझे जो पर्सनली है, मैं कहूंगा कि मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। आपको ड्राइविंग कभी, ड्राइविंग है आपको हॉबी है ड्राइविंग के? क्योंकि आप बहुत लंबे लंबे ड्राइव करते हो आप। मैं, मुझे सिर्फ बारिश में गाड़ी चलाना पसंद है। क्या आप 100% फिल्मी हो गए हैं आप, आपके आंसर भी 100% फिल्मी हो गए। ये धर्मेंद्र जी वाला शौक आ गया आपके अंदर। हाँ, धर्मेंद्र जी तो देखो वो बारिश के अंदर ही मजा लेते हैं, उनके फार्म हाउस के वीडियोस देखते हैं, जिस दिन बारिश आती है सब कुछ उतार के फेंक देते हैं। बिल्कुल, बारिश का अलग ही मजा है, वो मिट्टी की खुशबू जो बारिश के टाइम पे कमाल है। अच्छा अजय हुड्डा जी, मेरा आगे से सवाल, अगला सवाल ये है कि अनछुए पहलू की हम बात कर रहे हैं, तो आपको वेजिटेरियन खाना पसंद है या नॉन वेजिटेरियन है, कॉन्टिनेंटल है, आपको किस तरह इटालियन खाना, आप किस तरह का खाना पसंद करते हो घर में और बाहर जब भी होते हैं? मुझे आप अपने दर्शकों को, अपने फैन को, अपनी फैन फॉलोइंग को बताइए आप उसके बारे में। शुद्ध शाकाहारी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो शुद्ध शाकाहारी, आप लंदन में थे, मैं भी लंदन 3 साल रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना, आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, मैनेज करना वहाँ पे आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भी मैं फूड खाता कितना हूँ, बिल्कुल नाम मात्र, और ना भी मिले मुझे 5-10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप स्टिक उसी पे रहते हैं कि भाई खाऊंगा तो वेजिटेरियन। मैं बता, मेरा एक चीज और बता देता हूँ, जिस चीज में मुझे स्वाद आता है वो चीज मैं नहीं खाता हूँ। मुझे पता है जिस चीज में मेरी जीभ को टेस्ट आया वो मेरे लिए हानिकारक है, वो मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मेरी जीभ का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। तो आप मैकडोनाल्ड और ये पिज्जा और ये KFC इनकी दुकान बंद करवा रहे हैं? मतलब सीधी सीधी बात ये है, इनकी तरफ उंगली है, अगर आप पिज्जा नहीं खाते, स्टार पिज्जा नहीं खा रहा है, उनके उनका क्या कहते हैं बर्गर नहीं खा रहे हैं भाई, आप उतनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं उतनी एक्सरसाइज कर पाऊं, अगर मैं, मेरे पास टाइम हो डेली वर्कआउट करने का तो मैं पक्का खाऊं। अच्छा अजय जी, चलते हैं, बहुत अच्छा आपका जो शुद्ध शाकाहारी का आपने एक अपने दर्शकों को आपने अपने आज कुछ अंदरूनी बातें बताई। अजय हुड्डा जी, आज के टाइम एक ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारे जो सिंगर हैं वो डरे हुए हैं,
बहुत सारे आर्टिस्ट डरे हुए हैं, कोई सिक्योरिटी मांग रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई शहर बदल गया है, मोबाइल चेंज कर लिए, उनसे फिरौतियाँ एक्सॉर्शंस मनी मांगी जा रही हैं। मेरे उनमें से एक दो क्लाइंट्स भी मैंने बड़ा नज़दीक से देखा कि वो आकर रोते हैं, उनके परिवार हैं, फैमिली है। तो हाउ डू यू हैंडल, आप इस सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ही एक इतने बड़े स्टार हैं, आपके पास भी 25 तरह के नाजायज फोन आते होंगे, तो आप इसके बारे में खुल के बताइएगा सर। देखिए, खुल के इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि खुल के बताना आर्टिस्ट जो हैं या जो भी और लोग हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं चाहता किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, इसका सिर्फ एक तरीका है जो मैंने कई दिन पहले सोच रहा था। ये सबके साथ हो रहा है, चाहे इसमें मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, इससे अपने तरीके से ही आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या तरीका, प्रशासन भी क्या तरीका हो सकता है इसमें? सर, मुझे लगता है तकरीबन जो फोन कॉल्स आती हैं हमारे पास हैं, वो फॉरेनर नंबर बाहर का नंबर होता है, कहीं का भी हो, बाहर के होते हैं, और वो हमारे जो वो हैं वो जेल के अंदर बैठे ही वो चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। जितने भी कॉल्स आ रहे हैं वो जेल के अंदर होते हैं। अगर आप जैमर सिस्टम जेल के अंदर मोबाइल सुविधा वहां बंद कर दी जाए, तो मैं कहता हूं कि पूरी इंडिया का 90% क्राइम बंद हो जाएगा। ये पुलिस प्रशासन ये नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। आप जेल के अंदर सिर्फ मोबाइल अलाउड जो होता है वो कर रहे हैं, चाहे वो घूस से कर रहे हैं, जुगाड़ बड़े से लोग कर रहे हैं। जाएंगे बड़े लोग, जो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम करके हजार हजार करोड़ की जो डकैतियां मार के जेल में बैठे हैं, उनको तो मोबाइल चाहिए सर। तो वो तो देंगे, वो तो खरीदेंगे, दाम लगाएंगे। बस तो यही प्रॉब्लम है वकील साहब, आप बता सकते हैं। अब मैं ये कहता हूं, अगर इंडिया का 90% क्राइम बंद करना है तो जेल जो है उनके अंदर से मोबाइल हटा दीजिए, बैन कर दीजिए, वहां बिल्कुल जामर लगा दीजिए, तो मुझे लगता है 90% क्राइम खत्म हो जाएगा। क्या आपकी इंडस्ट्री पे ये एलिगेशन सही फिट होता है कि पूरी इंडस्ट्री आज के टाइम माफिया के कंट्रोल में चली गई है? आपको इस गाने में काम नहीं करना, इस हीरोइन के साथ काम नहीं करना, ये गाने में आपने इसको लेना है। क्या जैसे बॉलीवुड के अंदर कंट्रोल होता था कभी दाऊद का, आज क्या गैंगस्टर जिसमें लॉरेंस बिश्नोई हालांकि मेरा क्लाइंट है, और बड़े सारे हैं, गोल्डी है और बॉम्बिया गैंग है, आप सिद्धू मूसेवाला कितना बड़ा आर्टिस्ट था, आपका अच्छा दोस्त था, क्या उनके साथ हादसा हुआ? क्या मानते हैं आपकी इंडस्ट्री इनके कब्जे में चलेगी? नहीं, देखो हरियाणा इन चीजों से बचा हुआ है सच में। नहीं सर, आप पंजाब में भी तो हो ना, देखिए आपका आपकी आपकी लोकप्रियता, आपके गाने पंजाब में बजते हैं। नहीं बजते हैं, लेकिन मतलब हरियाणा के बारे में बता सकता हूँ मैं, हरियाणा इन चीजों से बचा हुआ है। और अगर पंजाब में ये चीजें हो रही हैं तो गलत हो रही हैं, और मैं कहूंगा कि पंजाब में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट एक समाज का आईना है, वो समाज की सच्चाइयों को दिखाता है, तो प्लीज वो आपका मनोरंजन करता है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना तो किसी के साथ भी नहीं चाहिए, नाजायज किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। और जितने भी गैंगस्टर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पैदा गैंगस्टर हुए थे, कई हालात के हिसाब से बन गए, बहुत ज्यादा 95% लोगों की मजबूरियां रही हैं, हालातों ने बनाया है, सिस्टम ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, तो प्रशासन को भी थोड़ा लचीला। मेरा सीधा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि इंडस्ट्री उसके कंट्रोल में चली गई? आप बिल्कुल डिनाई करते हैं? बिल्कुल। तो ये इतने बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, रोज टीवी में आ रहे हैं, सारे आर्टिस्ट डरे हुए चंडीगढ़ आ गए हैं पूरा पंजाब छोड़ के, क्या आपको, आपके दोस्त हैं जिनमें से मोस्टली, तो वो आपके साथ क्या शेयर करते हैं? उनको डर नहीं है? मतलब कुछ तो होगा डर। डर होगा तो आजकल मुझे लगता है कि शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे okay. ऐसा मुझे लगता। अच्छा हुडा साहब, कुछ अनछुए पहलू पे आगे बढ़ते हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट जिसमें हरियाणा के मैं नाम लूँ, अनु कादियान का या बिंदोला का, वो और बिंदोला क्या नाम है उसका, सॉरी मैं भूल गया, जो बिंदर जनौदा, सब पॉलिटिकल एम्बिशियस है। हाँ। हर कोई पॉलिटिकली पार्टी से जुड़ गया है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दर्शक, आपके फैन पूरा हरियाणा पंजाब राजस्थान ये जानना चाह रहा है, क्या अजय हुड्डा जी को भी हम किसी राजनीतिक मुकाम पर देख पाएंगे? देखिए नहीं, अगर मैं कभी राजनीति, क्योंकि आपका गांव फेमस है राजनीति के, मैं मानता हूँ हमारे डीएनए में राजनीति है ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ दूसरी तरफ कि अगर मैं राजनीति में आया किसी भी पार्टी में, तो लोगों जब खड़े होंगे सच के साथ तो उनके साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूँ। मतलब ये आपने बिल्कुल सीधे और क्लियर शब्दों में बोल दिया कि आप अपने प्रोफेशन को ही प्यार करते हैं, राजनीति आपके लिए कोई पेशा नहीं है। नहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल, मैं कभी आऊंगा। एक हुड्डा साहब ये पॉइंट और आप क्लियर करके जाइए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जब रैली करते हैं उससे पहले आर्टिस्टों को बुलाती है,
ये एक बहुत गलत ट्रेंड चल गया है, वहाँ पे वल्गर हैं, कोई डांस गर्ल जाती हैं, फिर वो बड़े सिंगर आ जाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि आप इस तरह का ऑफर आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि जब तक वो बड़े मिनिस्टर्स नहीं आते स्टेज पे आके गाना का डांस करना माहौल बना के रखना, इस बारे में आप क्या कहेंगे, अपने दर्शकों को बताइए जरा। देखिए मैं कहूंगा कि अगर प्रोग्राम किसी राजनीतिक पार्टी का है, ऐसा नहीं है कि मैंने राजनीतिक पार्टियों के नहीं किए हैं, किए हैं, रैलियां की हैं, लेकिन मतलब जब आपका दिल करता है कि एक चीज गलत हो रही है या पार्टी गलत कर रही है या फिलहाल लोगों के साथ, वैसे तो राजनीतिक पार्टियां सभी गलत होती हैं, लेकिन फिर भी जो एक टाइम होता है कि जो किसानों के साथ खड़ी है या किसी चीज और किस मुद्दे के साथ, अच्छे चीज के साथ खड़ी है, तो उनके साथ खड़ा होना लाजमी है, खड़े होते भी हैं, वरना अगर हमें लगता है कि ये गलत पार्टी है और जिनके सपोर्ट में हम नहीं है, तो वो कितना भी पैसा दे हम नहीं चाहते। बहुत सारे आपके दर्शकों की एक चिंता है, वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आप ऑलमोस्ट मुंबई शिफ्ट कर गए, इस बारे में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल झूठ है, ये रूमर्स है आपके दर्शकों का, मतलब ये आपने क्लियर कर दिया कि अभी एज सच नहीं, इमीडिएट कोई प्लान नहीं है मुंबई शिफ्ट होने का। नहीं, मुंबई होने का काम के लिए जाते हैं आप, आपने बेसरी शिफ्ट किया? नहीं, मैं हो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मतलब मेरी जो जड़े हैं, अगर पेड़ है वो जड़ों से कट जाएगा तो गिरना लाजमी है, गिरेगा वो, तो मतलब जो मेरी जड़ें हैं वो हरियाणा है, मैं यहीं से उठा हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहले मेरा हरियाणा है, मेरी माँ बोली हरियाणवी है, वो बाद की बात है, अगर काम के लिए जाना पड़े या जाऊँ वो अलग बात है, बाकी वहां शिफ्ट होना इम्पॉसिबल। ये थे हमारे अजय हुड्डा साहब, जो खिडवाली की मिट्टी से निकल के आज डायमंड की तरह चमक रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट, मुझे खुद गर्व है बड़ा भाई होने के नाते, और इसके फैंस को तो है ही है, और जो सबसे बड़ी क्लियरिटी थी, जो अनछुए पहलू थे, जो आप चीज क्लियरिटी करना चाह रहे थे, और जाते जाते आपका एक आखिरी सवाल बचता वो मैं पूछ लेता हूँ। अजय हुड्डा जी, जो आपकी फीमेल्स, आपके हर सॉन्ग में अलग फीमेल्स मिलती हैं, तो इसका रीजन और हमारे उसमें, क्योंकि देखिए नॉर्मली पेयर बन जाता है फिर वो हिट हो जाते हैं, तो आपके जितने भी सॉन्ग आते हैं वो सुपर हिट डुपर हिट होते हैं, तो हर बार में हचेरा क्यों देखने को मिलता है? देखिए मतलब वो लोगों की भी डिमांड होती है हर बार कुछ अलग देखना, जब मुझे तो देख रहे हैं, अगर मेरे साथ मेरी टीम भी वही सेम रहेगी तो लोग मतलब इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, तो मैं तो हूँ, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ कहीं, तो मतलब मेरे साथ पूरी टीम तकरीबन नई होती है, तब लोगों का मतलब वो बना रहता है कि देखने का इंटरेस्ट। आखिरी सवाल जी हुड्डा साहब, ये बताइए कि क्या आज जैसे गानों में आज के टाइम वल्गरिटी, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना और थोड़ा सा एडल्ट्री की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्या आपका इसके ऊपर क्या कहना है, और कहां तक आप इसको, आप अपने आप को कहां पे पाते हैं, आपकी टीम को, आपकी फीमेल पार्टनर्स को, और आप खुद को एडल्ट्री को किस लेवल तक ही अलाउ करेंगे? नहीं, आज हरियाणा में बिल्कुल भी वल्गरिटी नहीं है, बिल्कुल बहुत साफ सुथरे और अच्छे गाने बन रहे हैं, ये बहुत पहले की बात है, जब रागनियों का दौर था, पता नहीं कैसी कैसी रागनियां होती थी, गानों पे तो आज लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन गानों में भी 2-4-5 कलाकार होंगे, लेकिन अब बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन काम चल रहा है, और छोटे कपड़े हरियाणवी गानों के अंदर नहीं पहने जाते। मतलब आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, आप खुद और आपके? देखिए मैं ये कहूंगा कि मतलब हमारी जो संस्कृति है उसे हमें बचा के रखना चाहिए, और मतलब जो हमारे संस्कार हैं मतलब वो नहीं सिखाते हैं, तो मतलब भाई बॉलीवुड वाले करें जो करना है उनने, और कहीं वाले करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जो संस्कार, हमारी जो संस्कृति है उसे हमें बचाना है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि भाई, मतलब आपका सीधा सीधा आपके दर्शकों को, फैन को ये कहना है कि आपके गाने, आपकी एल्बम, आपकी कोई भी फिल्म पूरी फैमिली जाके देख सकती है? बिल्कुल 100%, माँ बाप बहन भाई सारे इकट्ठे देख सकते हैं, सभी डीजे सभी नाचते हैं। देखिए दर्शकों, हमने 10 मिनट मिले थे, और ये हमारे दानवीर भाई अजय हुड्डा जी ने आज हमें इतना लंबा समय दिया, और जो सारे अनछुए पहलू को आज हमने आपके लिए क्लियर कर दिया, आप इनके लिए दुआएं दीजिए, इसी तरीके से प्यार दीजिए कि ये और आगे बढ़ें और आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। तो ये थे अजय हुड्डा जी, अगली जब भी जल्दी से मुलाकात होगी तो आपको कुछ और इनका रूप देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें फिर लेके आएंगे आपके सामने। आज मुझे इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त, और जाते जाते अजय जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सभी को, और अगली बार मिलेंगे तो सिर्फ आर्मी की बातें करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।